हेलो। फेसबुक में पहले क्रिएट पेज कीजिए। न्यू क्रिएट पेज जैसे ही आप करेंगे तो चूज कैटेगरी आएगा, तो आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जिस टाइप का अपना बिजनेस है उस टाइप का एक कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। हमने अभी सेलेक्ट किया है इंटरनेट कंपनी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अपना जो पेज है बिजनेस नेम है तो उसका नाम डालेंगे। जो बिजनेस का नाम है वही पेज का नाम यहाँ पर डालेंगे मार्केटिंग के लिए। अभी हमने डाल दिया है KBC ऑल मीडिया और MLM। जैसे ही आपने ये नाम हमने डाल दिया तो उसके बाद अभी ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट होने के बाद में हम यहाँ पर ऐड लोगो करेंगे। ऐड यहाँ पर जो पिक्चर है, ऐड पिक्चर, इसमें हम अभी लोगो डालेंगे। लोगो अपने कंपनी का जो लोगो है उसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे ही ये लोगो अपलोड हो जाता है, बाद में ये बैनर आ जाता है साइड में। जो ये ऐड कवर का जो है, इसमें हम एक कवर ऐड करेंगे, कवर इमेज, जो कि अपने इमेज बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। अभी हम ये कवर पेज डाल दिया हमने। अभी इसके आगे पेज को लाइक कर दीजिए और अबाउट अस, इसमें आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा अबाउट, तो अबाउट पे क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करना है। अपना जो फ़ोन नंबर है वो ऐड कर देंगे हम उसमें। अभी कंपनी का मिशन क्या है, एडिट मिशन, वही मिशन डाल देंगे वहाँ पर हम। यहाँ पे अपना जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसका डेट डाल सकते हैं अगर डालना है तो, नहीं तो फिर आगे वेबसाइट का नाम डाल देंगे। हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसको सेव करना है और उसके बाद में ईमेल एड्रेस में डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे हम। ये चीज़ें फेसबुक के पेज पर दिखेगी। जैसे कि हमारा जो बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस पेज होता है, बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है ये पेज। अबाउट अस डालेंगे हम अपने बिजनेस के बारे में, जो अबाउट अस है वो सब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अबाउट अस। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद में गेट इन टच पे क्लिक करेंगे और कॉल नाउ के ऊपर हम अपना बिजनेस नंबर डाल देंगे वहाँ पर। यहाँ पे हमें जो हमारी जो कंट्री है, कंट्री का ये कोड डालेंगे हम 91 का। फेसबुक में हमें ये बिजनेस पे यूज़ करना होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जितने सारे इसके लाइक बढ़ते जाएंगे उतना यूज़फुल होता है आगे हमें ये बिजनेस पेज। इनबॉक्स में हमें पता चलेगा क्या क्या ये है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, और नोटिफिकेशन में जो भी एक्टिविटी होती है पेज में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आएगी। उसके बाद में इनसाइट होता है, इनसाइट में क्या होता है कि अपने पेज को कितने विजिट हुए तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। पेज व्यू कितने हुए, पोस्ट कितने हुए, रीच कितने हुए, उसकी पूरी जानकारी इनसाइट में आती है। उसके बाद आता है पब्लिशिंग टूल। पब्लिशिंग टूल में क्या होता है कि हमने जो जो पोस्ट किया है बैनर्स वगैरह, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, उसको कितने लाइक हुए, कितने रीचेस हुए,
उसकी सब इन्फॉर्मेशन पब्लिशिंग टूल में आती है, और फिर से हम पेज पर जाकर एक पोस्ट करेंगे। ये पेज का यूआरएल है, रीयूज। रीयूज में हम रेटिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी सारी अपने रेटिंग्स ऐड होगी तो उतने सारे हमें वहाँ पर पेज पर दिखाई देगा रेटिंग्स कितनी बढ़ रही है। अभी होम पेज पर हम आए हैं, अभी एक फ़ोटो हम यहाँ से अपलोड करें, कुछ भी अगर अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो हम यहाँ जाकर उसको अपलोड करेंगे। ये हो गया अपना पेज के ऊपर पब्लिश।